Hey guys, welcome back to my channel Way to Heart. आज हम आटा और गुड़ यूज़ करके कपकेक्स बनाएंगे. So let's get started. मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप ऑफ मिल्क. उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टीएसपी ऑफ विनेगर. आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो. अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बर्तन में हम जैगरी लेंगे गुड़ और उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है. अब हमें दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है. मैंने यहाँ पे बोल में ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं. अब हम उसमें आटा ऐड करके साइड में रख देंगे. अब हम गुड़ में आटा मिक्स करेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सिनेमन पाउडर और अ पिंच ऑफ नटमेग पाउडर. सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब हमें इसमें बटर मिल्क ऐड करेंगे. हम थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क ऐड करते हुए मिक्स करते रहेंगे ताकि लम्स ना बने. सी आवर बैटर इज रेडी. अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे. मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी भी ऐड कर रही हूँ बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे एंड आवर बैटर इज कम्प्लीटली रेडी. मैं यहाँ पे सिलिकॉन के कपकेक के मोल्ड्स यूज़ कर रही हूँ बट आप पेपर कप्स भी यूज़ कर सकते हो. ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स यूज कर रही हूँ और टूटी फ्रूटी. मैं यहाँ पे प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेल्सियस पे इसे 25 मिनट तक बेक कर रही हूँ. आप कढ़ाई में भी कर सकते हो. एंड दे आर डन. आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं. ये देखिए, इट्स अ वेरी क्विक एंड अ हेल्दी रेसिपी. तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए. इफ यू लाइक दिस रेसिपी देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.